स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल AIT गुरुजी में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 3 अप्रैल 2019 को फॉरेस्ट गार्ड का जो इंटरव्यू हुआ है उसके बारे में। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यू में, उन सभी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, 3 अप्रैल को जो भी फॉरेस्ट गार्ड यानी वन विभाग के जो इंटरव्यू चल रहे हैं, उस इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, उन सब के बारे में दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप चाहे बैकलॉग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेनो का अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो दोस्तों इसमें तो इंटरव्यू है, तो इसकी आगे को जो तैयारी करनी है, इसीलिए अभी से ही तैयारी करके चलते हैं अगर आपके अच्छे नंबर बैठ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, और जिन दोस्तों का हमारा इंटरव्यू है वो तो वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि रोज़ाना वीडियो जो भी वीडियो हमारी डलती हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल सके, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिए जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके और हमारी जो वीडियो हैं वो मिस ना हो सके। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो और दोस्त हैं हमारे जिनका इंटरव्यू है वो इससे मदद ले सके। और दोस्तों, इसकी जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है मदद मिल सके, कुछ क्वेश्चनों को आप सर्च कर सकें। और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए भी लिंक फ्रेंड दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है कल फ्रेंड्स पूछे गए हैं जितने भी हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ मुख्यमंत्री के बारे में। आज दोस्तों, वैसे तो मैं भी जो है आज 4 तारीख है लखनऊ जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा काम है आयोग में, तो वहाँ जाना है, और भी जो नॉलेज है वहाँ हो सकता है कल मैं बिल्कुल लाइव वहाँ से जितने भी लड़के हैं जो है लाइव मैं दिखा सकूँ। अपने दोस्तों से मिलने जाना है, कुछ दोस्त हैं, और वहाँ कुछ आयोग में काम भी है मुझे, जिससे कि जो है मैं आपको डायरेक्ट हो सकता है लाइव कल दिखाऊं वहाँ की बिल्कुल कंडीशन। जो लड़के इंटरव्यू देकर आ रहे हैं उन सबसे मैं आपको मिलवाऊंगा अगर वहाँ लाइव चलाने देते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी हो रही है दोस्तों जिससे लाइव भी चल देखते हैं। पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ मैं आपको लाइव दिखा सकूँ जो लड़के इंटरव्यू दे के आए हैं, और उनसे मुलाकात आपकी करा सकूँ। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन कल पूछे गए हैं उन सबकी PDF भी आपको मिल जाएगी, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में मुझे दखल की उससे जो क्वेश्चन करा था दोस्तों, वो ये था कि वर्तमान में जो हैं आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। तो उसने बताया योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री कौन है, तो उससे मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहे। देखिए फ्रेंड्स, आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, यहाँ से इतनी मदद मिल रही है कि पहले मैंने आपको बताया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सॉरी दोस्तों पहले प्रधानमंत्री के बारे में पूछा, फिर राष्ट्रपति, आज यहाँ देखें मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि जितने भी पद हैं उन सब पदों के बारे में जो है बताया जा रहा। तो मुख्यमंत्री के बारे में पूछा था कि मुख्यमंत्री जो है आप थोड़ा बताइए मुख्यमंत्री के बारे में, तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो कल करा था वो थे वन मंत्री, तो वन विभाग का इंटरव्यू है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि वन मंत्री तो दोस्तों पूछेगा। यूपी के वन मंत्री कौन है वर्तमान में, ये पूछा था कि वर्तमान में यूपी के वन मंत्री के बारे में बताइए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सिर्फ जो है मैंने इस तरह से लिखा है, क्वेश्चन ये था कि एक लड़का था जिससे कि बात हुई मेरी, बिजनौर का रहने वाला था, बिजनौर से उसने बताया कि सर मैं बिजनौर से हूँ। उससे पूछा गया था कि आप कहाँ कहाँ से कौन से ज़िले से हैं, तो उसने बताया मैं बिजनौर से हूँ। तो ये उसके सामने रख दिया कि आपका जो बिजनौर ज़िला है वो कौन से मंडल में आता है। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने आप इसलिए ये लिख दिया कि आप जिस ज़िले में रहते हैं वह किस मंडल में, ये भी आप देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको वहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो। और देखिए आगे, दूसरा है सचिन तेंदुलकर के बारे में पूछ लिया कि भाई सचिन तेंदुलकर के बारे में थोड़ा खेल में रुचि रखते हो तो बताइए सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या जानकारी है आपको। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या, जो भी दोस्तों महान खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी एक आध दो बातें आपको। देखिए, जो मोटे टॉपिक हैं उनके बारे में अधिकतर ज़्यादा हार्ड इंटरव्यू नहीं ले जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है जो क्वेश्चन है वो तो आपको बताने ही पड़ेंगे। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में, उसके बाद देखिए मिट्टी के प्रकार पूछ लिए थे कि भाई मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं बताइए जो है मिट्टी के प्रकार, तो मिट्टी के प्रकार भी अगर आपके पास भूगोल है तो मिट्टी के प्रकार भी आप जान लीजिए, तो मिट्टी के प्रकार आपको बताने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन तो वनों के प्रकार, वन का इंटरव्यू है तो वन विभाग से ही संबंधित है, वनों के प्रकार बताइए कि वन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पूछा था कि भाई अमेरिका के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है,
अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताना था। मिट्टी के प्रकार दोस्तों मैं बता दूं आपको, 8 प्रकार होते हैं। और सचिन तेंदुलकर जो है ये एक महान खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और वर्तमान जो वन मंत्री हैं वो दारा सिंह है, उत्तर प्रदेश के वन मंत्री कौन है, दारा सिंह। और मिट्टी प्रकार हो गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो गया। अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है ये पूछा था कि आप जनरल नॉलेज में अगर थोड़ा जी ज्ञान रखते हैं तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम बताइए, तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है, सभी जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में महिला विधायक, ये क्वेश्चन पहले भी दोस्तों पूछा जा चुका है और ये कल फिर दोबारा रिपीट हुआ है दोस्तों। तो इसलिए देखिए यहाँ से ये मदद आपको मिल रही है रोज़ाना कि जो क्वेश्चन मैं अधिकतर पूछता हूँ देखिए वही क्वेश्चन अधिकतर रिपीट हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान महिला विधायकों की संख्या देखिए बूझी, मैंने आपको पिछली वीडियो आप देखिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने सब बताया है अपनी पिछली वीडियो में। आप 31 या 1 अप्रैल की वीडियो देखिए। देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन करा था वो है उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इस तरह से बूझी थी। तो देखिए दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चन जो है कल के एग्ज़ाम में यानी कि जो पूछे गए थे जितने भी इंटरव्यू लड़के देने गए, देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ रोज़ाना बताता हूँ कि सारे ही जो क्वेश्चन है दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो कि विषय से अलावा पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके पास सबसे मेन पॉइंट जो है वो विषय है। इंटरव्यू में ज़्यादातर विषय पर ही गौर दिया जाता है, विषय से अलावा एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बाहर से पूछे जाते हैं जो कि आपके देश या राज्य या विदेश से पूछे जा सकते हैं, बाकी आपके सारे क्वेश्चन विषय से संबंधित पूछे जाते हैं। तो इसलिए विषय से अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने सब आपके सामने रोज़ाना जो भी क्वेश्चन है वो पूछते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दे यार, और वीडियो को सब्सक्राइब जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो देखिए सारे ही ये क्या है दोस्तों, आपको मैं रोज़ाना एक PDF ये आपको इसलिए देता हूँ ताकि आप जो हैं इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकें, क्योंकि मिट्टी के प्रकार अगर 8 हैं तो मिट्टी के आगे को किसी भी प्रकार के बारे में पूछ सकता है। वनों का प्रकार अगर पूछ रहा है तो वनों का प्रकार आपसे आने वाले समय में फिर पूछ सकता है। तो इसलिए क्या है ना कि आप सारों को एक बार इन्हें सर्च कर करके अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू का सवाल है तो इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिएगा आप भी। और यहाँ वर्तमान में महिला विधायक है, ऐसे ही सांसदों के बारे में पूछ सकता है, विभिन्न प्रकार से जो भी है फ्रेंड्स इससे संबंधित अधिकतर पूछ रहा है। जितने भी जो भी क्वेश्चन हैं हम अपने रोज़ाना 10 से 15 लड़कों से पूछते हैं जो भी है इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमारे जो दोस्त हैं लखनऊ में बाहर हैं जो कि आयोग के, तो वो पूछते हैं रोज़ाना और उनसे ही जो है जानकारी रोज़ाना मैं ले लेता हूँ कि जो है कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज, तो वो बता देते हैं। तो दोस्तों रोज़ाना मैं आपके लिए एक ना एक वीडियो रोज़ाना लेकर आता रहता हूँ, और इस तरह से वीडियो जो है फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट हो गई आज की। अगर दोस्तों वीडियो हमारी पसंद आई है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, और अगर आप वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दे और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और PDF डाउनलोड कर लीजिए। हो सकता है दोस्तों कल मैं आपको वहाँ से जो है बिल्कुल UPSC से लाइव दिखाऊँ जो लड़के इंटरव्यू देकर आएंगे, क्योंकि मैं आज ही जो है लखनऊ निकल जाऊँगा शाम तक। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और उम्मीद करता हूँ आपका इंटरव्यू सही जाए।